नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। एग्जाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जिन लोगों ने यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो अब उनको जो है सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है, और इसका नोटिफिकेशन के लिए काफ़ी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है सुपर टेट की वैकेंसी का अनाउंस होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सुपर टेट 2022 परीक्षा कब तक होगी और कितने पदों पर भर्ती होगी। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल बटन पर क्लिक कर दो, जिससे मैं कोई भी सुपर टेट से लेटेस्ट अपडेट बताऊं ताकि आपको तुरंत से जल्द मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट इट। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सुपर टेट के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस कौन से लोग जो है, कितनी उम्र चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश सुपर टेट राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के सभी छात्र आवेदन करते हैं और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने का अवसर लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड प्रतिवर्ष प्राथमिक एवं माध्यमिक सरकारी स्कूलों में छात्रों की भर्ती के लिए परीक्षा कराता है, जिसके लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार प्रतिवर्ष आवेदन करते हैं। अब अभी इस वर्ष भी यूपी सुपर टेट देश सुपर हिट टीटी के कुल 7000 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी जानकारी आज आप हमको इस आर्टिकल के माध्यम से देने वाले हैं। आज का ये आर्टिकल सभी विद्यार्थियों के लिए जो है यूपी टेट की तैयारी कर रहे इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा उन सभी विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है जिन्होंने यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की है। वह सभी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर पाएंगे। यह परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष सहायक अध्यापक के विभिन्न पदों के लिए भर्ती आयोजित की जाती है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होती है और इसकी परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में भी आयोजित की जाती है। इस भर्ती परीक्षा में कुल 150 अंक का एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक होते हैं और इसे करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिससे छात्रों द्वारा पूरा भी किया जाता है। आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे और इसकी प्रक्रिया के बाद उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर सभी विद्यार्थियों में योग्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया जाता है। और इस भर्ती में प्रक्रिया में आवेदन से पहले आप अपनी पात्रताओं की जांच कर लें या अवश्य कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के बाद किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सुपर टेट परीक्षा है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले, DLED डिप्लोमा जो भी हो, BEd कोर्स या इसके समकक्ष कोई कोर्स हो, छात्र 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों से अधिक उत्तीर्ण हो, छात्र के पास स्नातक के लिए होना चाहिए जो कि किसी प्रारंभिक शिक्षा के समकक्ष होना चाहिए, छात्र के पास BEd की स्नातक डिग्री भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सुपर टेट चयन प्रक्रिया क्या है, तो सभी छात्रों को बता दें कि उत्तर प्रदेश सुपर टेट में सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि 150 अंकों की होती है, जिसके बाद एक लिस्ट जारी होती है जिसमें न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाते हैं। जिन विद्यार्थियों के उनके नाम को अधिक आते हैं उन सभी को इस भर्ती परीक्षा में चयन किया जाता है एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल में पढ़ाने हेतु रखा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ कि सुपर टेट का परीक्षा जो है, अभी देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका आयु सीमा एज के बारे में बता दूँ तो इसकी जो एज रहती है 21 से 40 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, और इसमें जो है OBC को 3 वर्षों की छूट दी जाती है और 5 मार्च तक की छूट दी गई है। कैसा रहेगा इसका परीक्षा का पैटर्न इसके बारे में बता दूँ, उत्तर प्रदेश की पात्रता परीक्षा में कुल जो है 150 अंक का होगा, कितना 150 अंक का होगा, जिसमें 150 अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होता है। पेपर पूर्ण करने के लिए छात्रों को जो है 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को जो है प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सुपर टेट के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं कि ऑनलाइन जारी किया जाएगा, अभी इसकी कोई जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है, लेकिन आपको मैंने बता दिया इसके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो गाइज, ये रही जानकारी जो निकल के सामने आ रही थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।